Assalamu alaikum dear students, today we will learn about unit number 5, class 5, unit number 5, Perseus and the Gorgon. First of all, we will know about words meaning banquet. Banquet mean एक किस्म का होटल, अ स्पेशल मील फॉर लॉट्स ऑफ पीपल. कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन होता है सितारों का झुरमट. अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दैट इज ट्रेडिशनली नेम्ड आफ्टर व्हाट इट अपेरेंटली लुक्स लाइक और अ मैथोलॉजिकल फिगर. कनिंग, कनिंग मीन चलाक, स्किल इन यूजिंग ट्रिकरी टू गेट समथिंग. डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन बेइज्जती या जिल्लत, लॉस ऑफ रेपुटेशन. फिरोशियस, फिरोशियस मीन जालिम. वाइल्डली फाइट्स. गॉज्ड, गॉज्ड मीन धकेलना, चॉक्ड और रैच्ड. हिडियस, हिडियस मीन बहुत ज़्यादा बदसूरत होना, एक्सट्रीमली अगली. निम्फ, अ यंग एंड ब्यूटिफुल मिथोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा फरिश्ता. पर्टिफाइड, पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड सो फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा खौफजदा होना, इतना खौफजदा हो जाना कि बिल्कुल मूव ही ना कर सकना. टायरेंट, टायरेंट मीन जालिम, अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, बहुत ज़्यादा जालिम हुक्मरान. नेक्स्ट, देयर इज रीडिंग. इन द नॉर्दर्न स्काइज इफ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स कॉल्ड पर्सियस. दिस कॉन्स्टिलेशन इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक हीरो. अगर आप शुमाली आसमान पर देखते हैं तो आपको एक क्लियर रात का मंजर नज़र आता है और वहाँ पे सितारों का एक झुरमट होता है जिसे पर्सियस कहते हैं और इसका नाम एक यूनानी हीरो के बाद रखा गया. व्हेन ही वाज अ बेबी, जब वो छोटा सा था, पर्सियस एंड हिज मदर डेने वर सेंट अवे टू ऑन आइलैंड कॉल्ड सेरिफस. अ काइंड मैन कॉल्ड डिक्टी अलाउड हिम टू लिव ऑन हिज लैंड. डिक्टीज ब्रदर पॉलीडेक्टिस वाज द किंग ऑफ द आइलैंड. पॉलीडेक्टिस वाज अ क्रूअल एंड ईवल टायरेंट. जब वो छोटा सा था तो पर्सियस और उसकी मदर, उसकी ममा जिसका नाम था डेने, वो कहाँ चले गए थे, एक आइलैंड पे चले गए थे जिसको सेरिफस बोलते हैं. वहाँ पे एक मेहरबान बादशाह भी रहता था जिसका नाम था डिक्टी और उसी का भाई था पॉलीडेक्टिस जो कि उस आइलैंड पे हुकूमत करता था और वो बहुत ज़्यादा जालिम था. पर्सियस ग्रू अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन. ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर. पर्सियस एक बहुत बड़ा मजबूत आदमी बना और उसने ज़मीन पर काम किया, उस लैंड पर काम किया और अपनी माँ की हिफाजत की. वन डे द मीन किंग सा पर्सियस मदर एंड डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड टू मैरी हर. ही कैप ट्राइंग टू मीट डेने बट पर्सियस डिड नॉट लाइक और ट्रस्ट द किंग. सो ही यूज हिज कनिंग टू कीप द किंग अवे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदर. एक दिन जो बादशाह था, मीन बादशाह या इनके जो पॉलीडिक्टिस था, वो चाहता था कि पर्सियस की मदर से शादी करे क्योंकि उसने जब देखा था तो वो उनको पसंद आई थी और वो उससे शादी करना चाहता था. लेकिन और वो डेने से मिलना भी चाहता था लेकिन पर्सियस को ये सब बातें पसंद नहीं थीं और वो उस पर यकीन नहीं करता था. इसीलिए उसने अपनी माँ की हिफाजत के लिए कुछ चलाकियाँ इस्तेमाल कीं.